मध्य प्रदेश शासन द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर किसानों के उत्थान के लिए माइक्रो सिंचाई परियोजना खरगोन जिले के निमाड़ क्षेत्र में शुरू की गई है। परियोजना लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग द्वारा पूर्ण की गई। अधिकारियों की मनमानी के चलते क्षेत्र के किसानों के लिए ये परियोजना फिसड्डी साबित हो रही है। यहाँ पानी का प्रेशर कम आने से सिंचाई नहीं हो पा रही है। हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करने पर कहा जाता है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं। किसानों का नंबर पानी के लिए 8 से 12 दिन में आता है। ऐसे में कृषि करना संभव नहीं है। वहीं गेहूं की फसल सूख रही है, परंतु ठेकेदार मौन है। लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग के ठेकेदार किसानों की समस्याओं को अनदेखा कर रहे हैं। कुछ दिन पूर्व बलवाड़ा क्षेत्र में मंत्री साधो के दौरे के दौरान किसानों ने माइक्रो सिंचाई परियोजना से पानी नहीं मिलने की समस्या बताई थी, परंतु समस्या जस की तस बनी हुई है। किसान नेता विकास यादव जब किसानों की समस्या लेकर ग्वालू स्थित लक्ष्मी सिविल इंजीनियरिंग के ऑफिस पहुंचे तो सुपरवाइजर जफर खान ने यह कहकर टरका दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। सुपरवाइजर के इस लापरवाही पूर्ण रवैये को देखते हुए किसानों ने आंदोलन की चेतावनी दी। किसान अनिल यादव योगेश अरगड़े ने बताया कि पानी नहीं मिलने से फसलें सूख रही है। किसानों ने आरोप लगाया कि एनबीडीए इंजीनियर ललित वर्मा और इंजीनियर राजभान सिंह माइक्रो सिंचाई परियोजना में जमकर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इन्हें प्रशासन का खौफ नहीं है। खेतों में नहीं पहुंच पा रहा माइक्रो सिंचाई परियोजना का पानी, फसलें सूखने की कगार पर। दोपहर न्यूज के लिए स्वदेश गौर के साथ संजय अग्रवाल की रिपोर्ट।